स्टूडेंट्स, आज हम हमारे मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एस्टिमेशन इन पैटर्न मेकिंग एंड फाउंड्री शॉप। इसमें बेसिकली हमें, जैसे टॉपिक के नाम से हमें पता चल रहा है, एक पहली बात तो हम कर रहे हैं पैटर्न मेकिंग के बारे में, दूसरी बात हम कर रहे हैं फाउंड्री शॉप के बारे में। दोनों के एस्टिमेशन का हमें आइडिया होना चाहिए, लेकिन इसके डिटेल्स में जाने से पहले हम बेसिक बात करें कि पैटर्न मेकिंग, पैटर्न है क्या चीज। स्टूडेंट्स, पैटर्न क्या है? जो चीज आपको बनानी है उसका एक रेप्लिका है, बेसिकली एक मॉडल है। तो मॉडल किस तरीके से होता है? जिस तरीके की चीज आपको बनानी है बिल्कुल वैसा का वैसा ही पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे इस पैटर्न में और एक्चुअल प्रोडक्ट में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क किस कारण से है? क्योंकि पैटर्न के थ्रू हम फाउंड्री शॉप में कोई कास्टिंग करेंगे। तो जब हम कास्टिंग करते हैं किसी भी चीज को, हम बनाने के लिए कोई मेटल को काम में लेते हैं, तो फाउंड्री शॉप में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, बेसिकली मेटल को पिघली हुई अवस्था में बिलो अप टू द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर हम ले जाकर उसको पिघलाकर और सांचों में डालते हैं। तो सांचों में डालते हैं तो ठंडा भी होता है, ठंडा होता है तो कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो इस तरीके से जब हम कास्टिंग करते हैं तो हमें इस बेसिकली क्या करना पड़ता है, उसके बाद उसकी सर्फेसेस जो है वो बिल्कुल फिनिश्ड नहीं होती। तो फिनिश नहीं होती तो हमें उसकी मशीनिंग बिगड़नी पड़ती है। तो जब हमें इस तरीके के ऑपरेशंस वहां पर परफॉर्म करने पड़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अलाउंसेज वहां पर प्रोवाइड करने पड़ते हैं। किस पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स? पैटर्न के ऊपर प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि पैटर्न को हम मिट्टी में लगाकर वहां पर मोल्ड क्रिएट करते हैं, होल क्रिएट करते हैं और उसके बाद वहां पर मेटल को पोर करते हैं, जिससे हमारी कास्टिंग जनरेट होती है। तो इफेक्टिवली हमने क्या काम कर दिया स्टूडेंट्स, एक पैटर्न ले लिया, पैटर्न को हमने बड़ा बना दिया। बड़ा क्यों बना दिया, क्या क्या कंसिडर करते हुए बड़ा बना दिया? कि हमें कुछ उसमें अलाउंसेज जोड़ने हैं, क्योंकि हमें कास्टिंग को फिनिश्ड प्रोडक्ट की शेप में कन्वर्ट करना होगा। स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे पैटर्न मेकिंग और फाउंड्री शॉप के एस्टिमेशन की, बेसिक बेसिक बात को हमने जाना। अब इसके बाद हमने कहा क्या कि हमें पैटर्न को बड़ा बनाना है, जिससे कि कास्टिंग के ऊपर हम बाकी के ऑपरेशंस कर सके, मशीनिंग कर सके। जब कास्टिंग ठंडी होगी तो वहां पर कुछ रिंकेज भी हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमें कुछ कुछ अलाउंसेज वहां पर प्रोवाइड करने होंगे। तो हमारा एक टॉपिक बन जाता है इस लेसन में पैटर्न अलाउंसेज। ये एग्जाम में भी चीज पूछी जाती है, ये 5 से 7 नंबर में चीज पूछी जाएगी। तो कितने तरीके के अलाउंसेज बेसिकली हमें वहां पैटर्न पर देने होंगे? तो सबसे पहला इसमें है कॉन्ट्रेक्शन और श्रिंकेज अलाउंसेज। बेसिकली ये क्या चीज बता रहा है? संकुचन के बारे में बता रहा है कि जब कास्टिंग ठंडी होगी तो वो सिकड़ेगी। लेकिन सिकड़ने के साथ साथ हम स्टूडेंट से बात करें कि जब हम मोल्डिंग्स में मोल्ड में हम मेटल डालेंगे गरम, तो गरम मेटल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो जो मेटल जब सॉलिडिफाई होते हैं तो उनकी सबकी स्टूडेंट्स कूलिंग रेट जो है वो अलग अलग होती है। जैसे हमने यहाँ पर 4 चीजों का एग्जांपल लिया है। पहला कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के लिए जो श्रिंकेज या कॉन्ट्रेक्शन अलाउंस है वो कितना होता है? 10 mm पर मीटर लेंथ। इसका क्या मतलब हो गया कि यदि मैं 1 मीटर का मेरा कोई जॉब कंसिडर कर रहा हूँ तो वो 10 mm के आसपास सिकुड़ जाएगा। ब्रास यदि मैं कंसिडर कर लूँ तो 15 mm हो जाएगी। एल्यूमिनियम यदि मैं कंसिडर कर लूँ तो 13 mm हो जाएगी। स्टील यदि हम कंसिडर करते हैं तो स्टील के लिए देखो स्टूडेंट सबसे ज्यादा आ रहा है 21 mm पर मीटर लेंथ। तो इस तरीके से हमें ये वैल्यूज वहां पर बढ़ाकर लगानी पड़ेगी, जिससे कि वो जब सिकुड़े छोटा हो तो हमें जितनी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ हमें एग्जैक्टली मिल जाए। दूसरी बात मशीन अलाउंसेज। मशीन का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, कि हमने क्या कहा जब कास्टिंग जनरेट होगी तो उसकी जो सर्फेसेज है वो रफ होगी। क्यों रफ क्यों होगी? क्योंकि वो मिट्टी में से भी निकल कर आएगी और कास्टिंग का खुद का जो नेचर है वो बिल्कुल उसकी सरफेस जो है वो फिनिश्ड नहीं होती। तो इसके लिए हमें उसकी मशीनिंग करनी पड़ेगी। तो मशीनिंग के लिए जो मशीन अलाउंस देंगे वो हर केसेस के लिए अलग अलग होगा। जनरली हम इसे 2 mm पर साइड ऑफ कास्टिंग ले लिया करते हैं। तीसरी बात हम करें स्टूडेंट्स ड्राफ्ट अलाउंस की। तो ड्राफ्ट का क्या मतलब हुआ कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आप पैटर्न को मोल्ड में डालते हैं तो जब आप उसे वापस निकालेंगे तभी तो कास्टिंग कर पाएंगे, मेटल को पोर कर पाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो पैटर्न है वो इजीली वहां से निकल जाना चाहिए। तो जब इजीली निकल जाए
उसके लिए हम वहाँ पर जो पैटर्न की दीवारें हैं वहाँ पर हल्का सा टेपर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो बड़ी आसानी से लिफ्ट किया जा सके और हमारे मोल्ड की जो सरफेसेस है वो खराब नहीं हो। तो एंगल का 1 से 3 डिग्री के आसपास ये वैल्यू वहाँ पर रहती है। तो बेसिक अलाउंसेस जो है हमारे ये 3 तरीके के हैं, लेकिन जो कुछ बुक्स जो है हमारी वो 2 तरीके के अलाउंसेस और कंसिडर करती है, जिसमें एक है डिस्टोर्शन अलाउंस। डिस्टोर्शन मतलब विकृति आ गई। विकृति आने का क्या मतलब हुआ कि जो एग्जैक्ट सरफेस स्ट्रेट होनी चाहिए थी, 90 डिग्री पर होनी चाहिए थी, वो कुछ कर्व के रूप में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप के पैटर्न हमारे हुआ करते हैं उसमें जो नीचे की सरफेसेज है बेसिकली क्या हो गया, एक तरीके से इररेगुलर शेप हो गई। तो इररेगुलर शेप हो गई तो मेटल कुछ दूरस्थ स्थानों पर चला जाता है, तो हमारी जो कूलिंग की रेट है वो इररेगुलर हो जाती है, उसके कारण से हमें डिस्टोर्शन अलाउंस देना पड़ता है। ये पहला ऐसा अलाउंस है जो नेगेटिव अलाउंस होता है स्टूडेंट्स। नेगेटिव क्यों, कि जिस डायरेक्शन में डिस्टोर्शन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें पैटर्न को बनाना पड़ता है, तो ये एक डिस्टोर्शन अलाउंस हो रहा है। इसके अलावा एक शेकिंग हल्लन जिसे हिंदी में कहा जाता है, शेकिंग अलाउंस। शेकिंग मतलब पहला हमने बात की थी ड्राफ्ट के बारे में, ड्राफ्ट अलाउंस के बारे में, कि थोड़ा सा टेपर बनाते हैं। और शेकिंग का क्या मतलब है कि जब मैं पैटर्न को मोल्ड में से विड्रॉ करूंगा तो मैं उसकी जो साइड्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा थप थपा देता हूं, जिससे क्या होता है पैटर्न अपने चारों तरफ की मिट्टी को लूज कर देता है। तो इसको जब हम थप थपाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर उसकी साइज थोड़ी सी मोल्ड की बढ़ जाएगी। तो ये एक 5वीं तरीके का हमारा अलाउंस हो गया। तो ये 5 तरीके के हमारे अलाउंसेज हैं, एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक बनता है एस्टिमेशन ऑफ पैटर्न कॉस्ट। पैटर्न को बनाने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से क्या मतलब हुआ, पैटर्न बनाने में जो मटेरियल लगेगा उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें, उसका वेट कैलकुलेट कर लें, या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर उसकी रेट हो उससे मल्टीप्लाई करके हम उसकी कॉस्ट निकाल लें। इसके लिए हमें जब हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो अलाउंसेस जोड़कर हमें पैटर्न को बनाना होता है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो उस मटेरियल के लिए, परचेजिंग के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए जो कॉस्ट कंसिडर की जाएगी वो हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी पैटर्न की। दूसरी बात करें लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट में क्या कंसिडर करना पड़ेगा, लेबर में जो लेबर उस पैटर्न को बनाएगी उसकी क्या रेट है, वो कितने समय में उस पर्टिकुलर पैटर्न को बनाने में लगाती है, तो उसके अकॉर्डिंग उस लेबर की कॉस्ट निकल जाएगी। और इसी को अगर हमें प्रीवियस सिमिलर वर्क से कंसिडर करते हुए वहां पीछे से कैलकुलेट करना हो तो उस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज जब वो बन रहा है जब उसके समय की कैलकुलेशन की जा सकती है। तीसरे हमारे इसमें जो कॉस्ट आती है कंसिडर करनी पड़ेगी वो है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में क्या, तो पैटर्न से रिलेटेड और कोई भी चार्जेस अगर वहां पर पिक्चर में आ रहे होंगे तो उन्हें हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये बात हुई पैटर्न कॉस्ट की। फाउंड्री शॉप की अगर हम बात करें तो फाउंड्री के अंदर फिर से हमें वही 3 चीज कंसिडर करनी है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स या ऑन कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में कौन सी कंसिडर होगी कॉस्ट, सारे ऑपरेशंस में जो मटेरियल कंज्यूम होगा जो काम आएगा, जैसे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं स्टूडेंट्स हमारे फाउंड्री शॉप के अंदर, मोल्डिंग, मेल्टिंग, पोरिंग, कास्टिंग, ये सारे जितने भी तरीके के ऑपरेशंस हैं इनमें जो भी मटेरियल्स काम में आएंगे उन सबकी कॉस्ट को हम जोड़ लेंगे। फिर बात करें हम लेबर कॉस्ट की, तो ऊपर वाले जो सारे ऑपरेशंस हैं इनको परफॉर्म करने के लिए जो लेबर काम में आएगी उसके रेट के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट को हम कंसिडर कर लेंगे। और इन दोनों खर्चों के अलावा हमारी शॉप में बाकी जितने भी तरीके के खर्चे कंसिडरेशन में आ रहे होंगे वो सारे के सारे हमारे ऑन कॉस्ट में चले जाएंगे, और इन तीनों एक्सपेंसेस को कॉस्ट को हम जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल जो है कॉस्टिंग उसकी निकल जाएगी।